बड़का पार्टी के साथ रहा, छोट पार्टी कथी करे सकते। एक बेर एगो जंगल में बहुत बड़का शेर सब शेर राजा रहे, सब जानी छे जंगल के राजा शेर होई छे, शेर राजा रहे। एगो बिलाई सोचला कि सब दिन शेरे राजा रहते, हमू राजा बनती तो बढ़िया रह। तो बिलाई कहलक भाई शेर के आगू में तो हम बहुत छोट छी, केना राजा बनम हम। तो कहलक आब एकरा बुद्धि लगावे पड़ते। केहन बुद्धि लगावे पड़ते कि एक बार चल शेर के कहे छे से हमरा राजा बनावा। तो बिलाई के जे पंच रहे उ कहे तू राजा चिचिमन जाके कहे हमरा राजा बनावा, तो पता हो तू इतने बार के शेर के कानों में न समय में तू कहीं मुंह में धाले तो पता ना तोरा केना घोट जा, तू पतो लग दी कुछ खा ले। ताई के चलते वहन हिम्मत ना कर, शेरे के राजा रहे दे, हमनी सब राजा ना बन सक छी कहियो, बिलाई कहलक। लेकिन वो बिलाई कहाँ के रहे, कश्मीर के, बड़ा तेज रहे वो बिलाई। कश्मीर के ब्राह्मण आ कश्मीर के बिलाइयो बड़ा तेज हुई छे। कश्मीर के ब्राह्मण नेपाल में जो शासन कर रहा है अभी, एक कश्मीर से आए लोग है, कोनो पंजाब से आए लोग है, कोनो समस्तीपुर से आए लोग है। कांग्रेस पार्टी के बड़का नेता सब देखीजिए, गिरजा प्रसाद कोइराला के खानदान तो बनारस से आए है, आए लेकिन आए ले। लेकिन हमनी के बाप दादा के ही घर है, हमनी अबा के शेर थी। लेकिन जो बिलाई कश्मीर से चल के आई 350 बरिस पहले, उ आई हमनी के कह रहा कि विदेशी एक नागरिकता न मिले के चाहिए, एक बाप दादा जन्म आधार वाला एक नागरिकता न मिले के चाहिए। कौन कह रहा है, कश्मीर के बिलाई कह रहा है। तो 350 बरिस पहले अबा उ बिलाई अलग और शेर के कथी कही थी जाके कि शेर हम तोरा से बहुत बलशाली छी। शेर पिता आये लेकिन कथी कहे थे, अहा के न पतियार है तो यहाँ हमरा पीछे पीछे चलू आ देखू कि यहाँ अहा के राज में अहा से ज्यादा लोग हमरा सामने झुंकी छी कि न झुंकी छी। तो इस शेर के बड़ा चमला गेल, बट बिलाई के सामने कि ना झुंकते। अगर बिलाई के सामने लोग झुंके लगते तब तो हमरो से शक्तिशाली है, एक राजा बहन माने पड़ते। तो कहलक ठीक है, अगर तोरा हमरा से ज्यादा, सुनो सुनो, अगर तोरा हमरा से ज्यादा लोग सम्मान करी छु, इज्जत करी छु, झुकता हूँ तो हम अपना एगो मंत्री के भेजी छु, हमार मंत्री देखता हूँ और जतेक आदमी हमरा तर झुंकी छु ओतेक आदमी तोरा तर झुंकतू तो हम तोरा राजा मान लेबू। तो बिलाई कथी कहिए, न महाराज मंत्री से न, हेलो मंत्री ने यहाँ खुद चलो हमरा पीछे पीछे देखियो कि लोग झुंके छे कि ना झुंके छे। तो राजा कहलक चल भाई एगो अचंबा देख ले छे, जहां शेर तहां बिलाई के सामने के ना लोग झुंके छे। तो शेर पीछे पीछे चले लागल और बिलाई आगे आगे चले लागल। वास्तव में जब निकलल कोई देश में तो सभे लोग झुक झुक के नमस्कार कर रहा है, चारों ओर से बड़े बड़े दाढ़ी वाला बड़े बड़े विद्वान वही देश के माननीय मंत्री सांसद सब झुक के नमस्कार कर रहा है। आगे आगे बिलाई चल रहा है, पीछे पीछे शेर चल रहा है। अब वही शेर के कति बुझा गेल, वही शेर के कति बुझा गेल कि बाप रे बाप, सांसद माननीय मंत्री समेत हम राजा छी तो हमरा ठीमन न झुक रहा है। लेकिन जे बिलाई आगे आगे चल रहा है ओकरा ठीमन तो पूरा झुक रहा है, से कह रहा है। तब बिलाई के देख के जे झुकल रहे आदमी सब वही बात, ते शेर के बुझा गेल कि हमरा से बड़का ही बिलाई है। और की कहलक उ बिलाई के शेर, सुनो बैठो, शेर कथी कह देलक, शेर कहलक आए दिन से हम राजगद्दी छोड़ी छो, बिलाई तोरे हम राजा बना दे छियो। कि तोरा देख के शेर, तोरा देख के पूरा देश हमर झुक गए। और वही दिन से 350 बरिस पहले से आई धरती पर बिलाई राज कर रहा है और शेर वही बिलाई के गोर जाते के काम कर रहा है। वो बिलाई कौन है और शेर कौन है, इसे समझे के है। जब वही देश में आदमी झुक लाए तो बिलाई के देख के ना झुक ले रहा है, बिलाई के तब चिन्हबो न करे कौन है कौन ना। सबके नजर पड़ल कि शेर महाराज आई सवारी पैदल कर दे, बाप रे बाप, राजा महाराजा हमर पैदल चल आ रहा है। तो जतेक लोग झुकल रहे उ शेर के देख के झुकल रहे, लेकिन मूर्ख शेर रहे ओकरा ही समझ में आ गई कि बिलाई आगे आगे चल रहा है, ओकरे देख के झुक रहा है लोग। वही के चलते आई ये देश में बिल्ली राज कर रहा है और महाराज सहलेश दीना भद्री गुरु रविदास जी के शेर बेटा चमचागिरी और गुलामी कर रहा है। समस्या है देश, हम कही बड़का पार्टी के पीछा रहो,
लेकिन माओवादी वाला जाके आके गांव में कहिए कि हमर पार्टी बड़का है, अहाँ कहे जी तोर पार्टी कथी के बड़का है, तो कहे जी सभे दलित हमरा पीछे पीछे चला तो देखियो कौन बड़का है। जब पूरा दलित जनजाति आदिवासी पीछा पड़ल रहे छे और अगारे ब्राह्मण क्षेत्र के नेता रह जाए छे और हमने यहाँ पछाड़ी से देखी छे हाँ ये नेता छे तो बहुत बड़का है, एकर पार्टी बहुत बड़का है, लेकिन ये ना पूछे छे कि बड़का यही लागी है कि शेर के बेटा से पछाड़ी ओकरा लाइन पर लागे छे। एमाले वाला कहे छे हम बड़का छे, अहाँ कहे छे तू ना बड़का था, तो कहे छे तू हमरा पीछे पीछे चला देखिए हो, तो ओकरो पीछे दलित खड़ा हो गेल, जनजाति खड़ा हो गेल, पिछड़ा खड़ा हो गेल, मुसलमान खड़ा हो गेल, आ कथी कहलक बड़का पार्टी वाला वो है। लेकिन हम यहाँ कथी भूल गेल थी कि यही प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हमनी सब थी, सबसे ज्यादा जनसंख्या दलित आदिवासी पिछड़ा समाज के है, लेकिन यही देश में 1% से भी जकर कम जनसंख्या है प्रदेश में, वही ब्राह्मण क्षेत्री के राज है प्रदेश में चल रहा है और दलित सब गुलामी के जिंदगी जिए पर विवश हो गेल थी। बहुजन एकता पार्टी कहे आयल है कि देश यहाँ के है, प्रदेश यहाँ के है, अहाँ के वोट से एवं सरकार बनी छे, अहाँ के वोट से राशन वितरण होई छे, अहाँ के वोट से शिक्षा वितरण होई छे, अहाँ के वोट से स्वास्थ्य के अवस्था बनी छे, अहाँ के वोट से जन जल जंगल जमीन में हिस्सेदारी लगता है, लेकिन वोट दे दई छे बिलाई के और यहाँ अपना शेर बेटा के भी बिलाई से नीचा दिखा के सब दिन भीख मांगे के आदत लगा ले छी। आई हम कहे आयल छी कि मांगे वाला समाज के कहियो मुक्ति न मिली छे, भीख मांगा आदमी के सर पर कहियो ताज न होई छे, अहाँ देवे वाला समाज बनू, जै दिन यहाँ अपना बेटा के वोट देवे के शुरू कर दलिए अहाँ के बेटा यहाँ के राजा बनावे के शुरू कर दे। बहुजन एकता पार्टी के उद्देश्य है ई चीज यहाँ के समझावे के लिए आयल छी, अहाँ के ई चीज समझा रहल छी कि कहाँ कह लागे ई पार्टी के वोट देनाई जरूरी है, ई पार्टी के वोट देम तो सब आदमी के जमीन में हिस्सेदारी मिलत, सब आदमी के जमीन मिलत, ई पार्टी के वोट देम लोग कहली ना कि चामल ले आवे छी समाज में और सब मुंह देख देख के दलित के बांट दई छी, दलित के भीतर के लोग भी दलित के बांट दई छी और दलित के छोड़ दई छी, कहे छी ना हम कहे छी समुंदर में से एक घैला पानी कोनो वहां के नेता के देया, लेकिन यहाँ तो दूसरे घर है, अब एक घैला पानी में से एक गिलास वितरण कर दे 10 घर तक ले जाते पानी समाप्त हो जाते। हम ये कहे छी कि आहा समुंदर के मालिक केले न बन रहल छी, आहा खुद सरकार चला के चलावे के काम केले न कर रहल छी, चावल ओकरा दे देलके, दाल ओकरा दे देलके, जौले तकले एमाले कांग्रेस माओवादी मधेशवादी पार्टी में वोट दैत रहम तौले अहाँ के समुंदर में अहाँ के बाल बच्चा के अहाँ के पौड़े के मौका न मिलत, सरकार के स्रोत पर कैप्चर न हो, देश के करोड़ों अरबों बजट में अहाँ के हिस्सेदारी न मिलत, अहाँ के कहियो कटिया भर पानी देत, कहियो घैला भर पानी देत और वही में से वितरण करे वाला आदमी बदनाम हो, 5 जाए 25 छूट जाए, सब दिन यहाँ दलित होके दलित के बेटा के गाड़ी देत रहम, लेकिन समुन्दर पर जाए के काम कहियो न करम, जै दिन सीढ़ी छाप में वोट दे देली अहाँ के समुन्दर के चाबी अहाँ के हाथ में दे और जितना मर्जी है फ्री में पानी बांटू, फ्री में राशन बांटू, ई काम करे के लिए कहे के लिए आयल छी। ई बात कला न समझी थी, ई चीज यहाँ के दिमाग में कला न घुसिया, हम कहे छी मालिक बनू, अहाँ कहे छी हमरा नौकरे ठीक रहे हम नौकरिये करम, कबीर साहब कल की हम कहे छी आखन देखी, लोग कहे छी कागज की लेखी, हम कहे छी भाई आंख से देख के जमा स्रोत ओकरा पकड़ू, अहाँ कथी कहे छी हमरा जे है वही में कलन दे देलक 20-25 घर, ई चीज कह रहल छी। तो यहाँ के समझे वाला बात ई है कि एक समय एहन रहे कि हमनी के बाप दादा के जोन पार्टी में हम यहाँ वोट दे रहल छी, हमनी के बाप दादा के ओई पार्टी के लोग सब रोड पर चले के लेल अधिकार न देले रहे, ध्यान से सुनो, रोड पर चले के लेल अधिकार न देलक हमनी के दादा पर दादा के, खदिया में से पानी पिए के अधिकार छीन लेले रहलक, हमनी के बाबा दादा रोड पर थूक न बिगी सकित रहलक, थूक बिगे के लेल घेट में घैला टांग देले रहे, रोड पर चली तो रोड बहराइत जाए आई के चलते डाल में झाड़ू बांध देले रहे, आहा जब निकलबे घर से तो केना लोग के पता लगती कि
की अछूत जात निकल रहा है तो गोर में घंटी बांध दे रहे कि जब निकलबे तो घंटी बजते तो पूजत अछूत लोग आ रहा है तो उस अपन रास्ता बदल कौन सब कहले है ये सब अरे उहे ये माले वाला कांग्रेस वाला माओवादी वाला रापरपा वाला मधेसिया लोग ओकरे बाप दादा जमींदार रहे ओकरे बाप दादा हमरा यहाँ के खेत छीन ले है हमरा यहाँ के रात छीन ले है ओकरे बाप दादा हमरा यहाँ के संपत्ति छीन ले है ओकरे बाप दादा हमरा यहाँ के हक अधिकार छीन के आज भिखारी बने ले है और आज के समय में भी हम यहाँ ओकरे बेटा पोता के वोट दे छे ओकरे बेटा पोता के जोड़े खड़ा हो छी आ कहै छी मालिक बनम कहियो ई बात संभव ना है मालिक कहियो ना चाहे छी कि नौकर ओकरा बराबरी में बैठे कहियो यहाँ के बराबरी में बैठावे के काम आई देश के मनुवादी व्यवस्था के लोग न कर सकिया ई चीज यहाँ के दिमाग में पैसावे पड़त ई चीज दिमाग में ठोके के पड़त तब जाके राज सिंहासन यहाँ के हाथ में आए झुक झुक के रहे वाला आदमी कहियो राजा ना होई छै राजा बने के लेल सिर पर ताज मुकुट लगावे के होई छै सिर पर राज मुकुट जेकरा रहै छै ऊ राजा रहै छै और यहाँ सब जानै छियै कि जेकर सिर निहुरल रहतै ओकरा सिर पर मुकुट कहियो टिक के ना रह सकिया आई के चलते हम अपना समाज के कहे लागे आयल छी कि कतेक दिन तक ले डरा डरा के जियब कतेक दिन तक ले जिलत के जिंदगी जियब कतेक दिन तक ले अपना बाल बच्चा के अलग बैठा के खाए में मजबूर करके राखम कतेक दिन तक ले नीच बन के रहम कतेक दिन तक ले हम यहाँ दूसरा के गुलामी करम कहियो तो आत्मा के जगावे के काम करू कहियो तो झकझोरो कि हम ये देश में मनुष्य छी अरे कुत्ता के भी ये देश में पूजा होई छै कौआ के भी ये देश में पूजा होई छै लेकिन जे दलित समाज बन के बैठल छी जे गरीब समाज बन के बैठल छी कुत्ता से भी नीच अवस्था हमरा यहाँ के रखले है कुकुर तिहार में कुत्ता के पूजा होई छै कि ना होई छै जानकी मंदिर में अगर धोखा से कुत्ता फंस जाए तो जानकी जी न छुआत है लेकिन यहाँ के बाल बच्चा कितनो चिट सुट बुट लगा के सेंट छींट के भी जानकी मंदिर के बात तो छोड़ो छोटका एगो मंदिर में पैसा है तो ये मंदिर के भगवान छुआ जाते ऐसा अवस्था कहिया तक ले सह के रहम यही अवस्था के मिटावे के है तो अपना बाल बच्चा के साथ ही लड़ाई में साथ रहो न तो जिंदगी जिए के है एगो लाचार आदमी होके तो चाहत रहो जीत रहो ये माले कांग्रेस माओवादी यहाँ के मुबारक है हम सभी ने कहा कि हमरे